बात है, वाह मास्टर वाह। मेरे प्यारे विरहा प्रेमियों, आपके बीच बहुत ही सुंदर सामाजिक चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है। बाबा राम कृपाल सिंह यादव एंड साथियों की आवाज में और PSD म्यूजिक कंपनी की ओर से हमारे साथी बेचू यादव जी के देखरेख में और जिस कांड का शीर्षक है कलयुग का प्यार और गरीबों का मसीहा पूर्वांचल का शेर, भूमिका है कैसे मास्टर। प्यार में हीर राजा अमर हो गए, मजनू पे लैला हुई थी दीवानी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल में बिठा कर मीना ने जी भर लुटाई जवानी, इतिहास रच डाल फरहाद सीरी, युग युग रहे याद जिनकी कहानी, मगर प्यार की आज कीमत नहीं है, जनरल जना जाए आंखों में पानी। किसी शायर विद्वान ने कहा था कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्यार ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्यार है। मगर वो प्यार कब था? लैला मजनू का जमाना था, हीर राजा का प्यार था, रोमियो जूलियट का प्यार था। मगर आज का प्यार कितना निम्न स्तर पर चला गया है। कव्वाली का तर्जमा कैसे मास्टर। वाह 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 वाह, लिखने वाले ने लिखा है कि जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, उपजार ना कहा। जे डूब गईल किनारे, जे डूब गईल किनारे, मझधार ना कहाला, जे डूब गईल किनारे, मझधार ना कहाला, जे डूब गईल किनारे। बिरहा में कवि का भाव है, बड़ा सुंदर भाव लिया है कवि ने। जज्बात है जहाना, जज्बात है जहाना, ओ प्यार ना कहाला, जज्बात है जहाना, ओ प्यार
यहीं से इस कांड की शुरुआत है। नजम का लाइन बा कैसे मास्टर? कवि ने कितना सुंदर भाव लिखा है, दीपक की रोशनी परवाने को जब मिलती है, दीपक की रोशनी परवाने को जब मिलती है, हसीन दिल लगी मानो वही पर खिलती है। तहसील बासडी बलिया जिले में सुंदर है, तहसील बासडी बलिया जिले में सुंदर है, कोतवाली क्षेत्र का मशहूर गांव खेमसर है। वासुदेव पांडे की बेटी नीलम सयानी है, वासुदेव पांडे की बेटी नीलम सयानी है, अदाएं निखर गई हुस्न पे जवानी है। नजर की तीर चली पैर डगमगाया है, नजर की तीर चली पैर डगमगाया है, नीलम के प्यार में राजेश मुस्कुराया है। बात को पहले समझ लीजिए ताकि बिरहा समझे में आसान रही। यही बलिया जिला में एक ठे विधानसभा भी हो, तहसील भी हो, कोतवाली थाना भी हो, जौना का नाम बा बांसडी, जहां से एमएलए हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी साहब। बहुत बड़ा गांव है उस क्षेत्र का खेमसर, वही का रहे वाला मध्यम वर्गीय परिवार में बांसदेव पांडे गुजर बसर करत बड़त, जिनकर बेटी नीलम सयानी बाप और जवानी के दहलीज पर कदम रखले बा। इतनी सुंदर रहल लड़की, इतनी सुंदर रहल, जब वो चले सड़क पर तो पूरा जमाना का नजर पड़े लगल। गांव का ही लड़का, बहुत बड़े आदमी का लड़का राजेश सिंह मोहब्बत फरमाया और वो लड़की उसके जाल में फंस गई। कहे के मतलब कि दोनों में नैनाचार भइल तो प्यार हो गइल, और जब प्यार भइल तो इकरार हो गइल। बात आगे बढ़ गई, लोग कहलन कि तिल छुपाए ना छुपे चोरी हत्या पाप, लाख प्यार को छिपाने की कोशिश किए मगर जग जाहिर हो गया, पूरा इलाका जान गया, पूरा जमाना जान गया। नीलम बुलवाती है राजेश को, कलश अगर असली छत्री का बेटा हुआ तो छोड़ा ये नगर के, कहीं ले के चलो या नत्र, वही हमारी मांग को सिंदूर दो, अब हम पति पत्नी के रूप में जिंदगी की नई पारी शुरू करना चाहते हैं। तो उतर चाहते रहल, दोनों अपनी अपनी घर से कुछ रुपया पैसा गहना होना चुरौलन और चल देलन रात का छुपके। कैसे मास्टर तट के उनवा? अरे दिया करे जा दिया, अब सावन महीना, हाँ सावन महीना लगवावे लू मोहर। अरे चैत में भौजी गवावे लू सोहर, यही के हमरे बेचन भैया गावत रहलन, भौजी लगावे ली तिल तिल गोतकिया, बिरहा में कवि का भाव है, अब घरवा से
से दूनम, अरे घरवा से दूनम फरार भइल मितावा, ओ दिल्ली शहर के मझार गइल मितावा। दिल्ली भाग करके दोनों पहुंच गए लाल किला के बगल में, एक दरियागंज मोहल्ला है। वही दरियागंज में चेतन गेस्ट हाउस, बहुत बड़ा होटल है, कमरा लिए भाड़े का और रहने लगे। एक काम और कैलन, जाय के अदालत में सदिया रचौले, और जीवन के संग ली राजेश सिंह बनवले, अरे जिंदगी में नया रफ्तार कैल मितावा, जिंदगी में नया रफ्तार कैल मितावा, की दिल्ली शहर के मझार गैल मितावा। कल के प्रेमी प्रेमिका आज पति पत्नी के रूप में अदालत का सर्टिफिकेट पा करके नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लोग कहलन की दिल्ली है दिल वालों की, बंबई है पैसे वालों की। तो दिल्ली में दिल से तो काम नहीं चलेगा ना भैया। धीरे धीरे समय बीतत गई, रुपया पैसा अब समाप्त बा, चिंता बढ़ गई राजेश के। वो समय कभी कभार बा देखा, ब्याह का खुशी हर आदमी के होले। अरे राजेश भी खुश है नीलम जैसी दुल्हन पाकर, और नीलम भी प्रसन्न है राजेश सिंह जैसा दुल्हा पाकर। अरे राजेश का खुशी छोड़ दे, नीलम टेलीफोन पर अपनी खुशी का इजहार कैली अपने माता पिता से। ओ समय का भाव बात क्यों मास्टर, कोनो दुल्हन के दुल्हा कहलन की जात है कलकत्ता कमाए, बाई पकड़ लेला दुल्हनिया गलत की नाम मत लिया, अगर जो कलकत्ता जइबा तो हमके दी इतना पैबा, कैसे कहले बाप डूबी मरब हे राजा, डूबी मरब हे राजा, जइबा जो पूर्व की दिशावा, सभा में बाड़ी बंगल लिया है सैया, जदुआ चलाई मतिया मार लिया है राजा, यही बजो पूर्व की दिशावा, डूबी मरब ए राजा, जय बजो पूर्व की दिशावा। कैले टेलीफोनवा बाड़ी, कैले टेलीफोनवा बाड़ी, अपनी नई हरवा माई, अपनी बिटिया का कसूरावा नीलम,
भइले राजेश हमरी मंगिया कसे नुरावा नीलौ धीरे धीरे एक बरस का समय बीतने जा रहा है। एक से दो हुए, दो से तीसरे का भी नंबर आ गया बाबा। परिवार बढ़ रहा है, चिंता सताने लगी राजेश को। घर से जो पैसा आया था ये भी समाप्त होने के कगार पर है। दोनों राय करके विचार करके काम कैलन। धीरे धीरे बीतल एक बरस का समय यही बात है। गोरखपुर अइले संगवा, यही गोरखपुर अइले संगवा रहली लुगैया रामा। अभी अभी हजारों रुपयों से सम्मानित किया गया हमारे परम साथी और जहानागंज आजमगढ़ के निवासी नेताजी सुभाष यादव जी, हमारे भाई श्रवण यादव जी। बहुत बहुत हम श्रवण यादव जी का, सुभाष यादव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आ गईलन कुल गोरखपुर, प्लेटफार्म पर बिठा दिया, कहा नौकरी तलाश के आता हूँ। गया धर्मशाला में, यही हमारे बलिया जिला सिकंदरपुर के बगल के जो एमएलसी रहलन सुदामा सिंह, उन्हीं की होटल में बैरा का नौकरी मिल गई। 2000 तनखा है बैरा का, मतलब कि जे ग्राहक आई हो के ले जाके अपन देवे के बाद हमारी लगे हाई व्यवस्था बाप, खा पी ले तो के ले आके रखे के बाद जहाँ साफ सुथरा हो, अगर सफाई वाला नहीं गए तो मौका से धोबहू के परी होके। 2000 तनख्वाह पर नौकरी चालू हो गई। धीरे धीरे नौवा महीना जोन प्यार का निशानी नीलम के पेट में पलत बा, समय ओकर आ गई प्रसव का। ओ समय का भाव बाप कैसे मास्टर तर्ज कौन बाप। नारी के करणव भर थरी पानी गैले जोगी यार बनी गैले जोगी यार राजपाट दिहल विसारन हो राम धीरे धीरे बीतल जा बनाऊ वा महीना वायर नाऊ वा महीना उठेला दरा दबरिया हो राम दुल्हन के दर्द को देखकर घबरा गया राजेश। पहुंचा होटल मैनेजर के पास, कहा हमको एडवांस पैसे दे दीजिए, प्रसव का समय आ गया है, मेरी दुल्हन का 2000 रुपया दिया, लेकिन कहा कि इसे चुकाना पड़ेगा। 2000 रुपया लिया, टेम्पो मंगाया, ले जाकर के गोरखपुर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया।
आरोग्य मंदिर ले जा भर ती करावा ले अरे भर ती करावा ले जाने जे के जिलायो जवारन हो राम आरोग्य मंदिर के डायरेक्टर विमल मोदी जी, उनकी सहायिका ऋचा मोदी जी और उनकी पत्नी दीप्ति मोदी जी जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जहां विदेशी पर्यटक भी इलाज कराते हैं। जांच पड़ताल कैलन है डॉक्टर साहब कलन की बेटा डॉक्टर कहे कि लागे विषा जा रुपाइया अरे विषा जा रुपाइया डॉक्टर कहे कि लागे विषा जा रुपाइया अरे विषा जा रुपाइया तब बची दुलहिल फोहारन हो राम ₹20,000 का जब नाम सुना लड़का रोने लगा। ₹2,000 डॉक्टर विमल मोदी के पैरों में रख दिया, कहा सारी जिंदगी आपकी तबेदारी करके ये चुकाऊंगा। सकुशल मेरे प्यार की निशानी को, मेरी पतली को, जिसके लिए बड़े बाप का बेटा होते हुए आज होटल की नौकरी कर रहा हूं, बचाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर का आगे कम नहीं होगा ये पैसा, किसी कीमत पर पैसा कम नहीं हो सकता। ₹20,000 चाहिए। बेचारा सोच गया अब मेरी दुल्हन नहीं बचेगी, जिसके लिए इतनी यातनाएं सहा। समाज में आज हमारे पिताजी बाबू विजय सिंह जिंदा लाश बन के बांसुरी में जीवन बिता रहे हैं और आज लग रहा है कि वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो जब मरेगी ही तो इससे पहले मैं मरूंगा निकल गया सड़क पर और आकर के महाराजगंज वाली सड़क पर राप्ती नगर चौराहे के पास हो गया। आत्महत्या करने के लिए पुलिस वाले उठाते हैं खींचते हैं, डांटता है खबरदार मुझे कोई ना छुए। ₹20,000 देना हो तो आए मेरे पास वरना हट जाए। ₹20,000 का नाम सुने लोग तो भाग खड़ा होकर के 20,000 दे। तब तक से बाहर भगवान भइल का कि वो ही रही आसे जाता रहले रामाकांत यादव रहले रामाकांत यादव। पूर्वांचल का शेर और आजमगढ़ के सांसद माननीय रमाकांत यादव जी महाराजगंज जा रहे थे, जोगी जी की सभा थी। इनके साथ में गोरखपुर झुंगिया बाजार के रहने वाले राकेश यादव जी जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। 10-12 गाड़ियों का काफिला था, रुक गया, रास्ता जाम है। पहुंचे करीब में, मामला क्या है? लोग बताए कि एक लड़का ₹20,000 के लिए जान देने जा रहा है, इसी वजह से जाम लगा है। पहुंच गए रमाकांत यादव जी पास में, हुआ क्या? आप वो ही रही आज से जात रहले रामाकांत यादव रहले रामाकांत यादव जेवन जादू वंश सरदार न हो राम रमाकांत यादव जी ने पूछा कि बात क्या है, क्यों जाम लगा है? लोग बताए कि एक लड़का बलिया जिले का रहने वाला, यही अपनी दुल्हन के साथ रहता है, ₹20,000 के लिए वो चक्का जाम किया हुआ है, मरने जा रहा है। भीड़ को चीरते हुए रमाकांत यादव राकेश यादव पहुंच गए राजेश सिंह के पास। बोल बेटा क्या बात है? बोल। देखा जब नजर फाड़ के तो सोच गया ये कोई इंसान साधारण नहीं बल्कि ये भगवान का रूप नजर आ रहा है। रो रो करके एक बात कहा है, क्या कहा? हाथ जोड़ी पावा पारी करिला बिनती आ सुनाए बाप
हमके घेरा लस भी पतिया सुनाए बाबूजी। करिला निवेदन केहू होला ना सहैया, डॉक्टर साहब मांगत बाने भी सजा रुपया, रमाकांत यादव जी का पैर पकड़ के लड़का रो रहा है और कह रहा है कि खतरा में बाड़ी आज मोरिया रतिया सुनाए बाबूजी, हमारे कई दाम दतिया सुनाए बाबूजी। रमाकांत यादव का हृदय द्रवित हो गया। बुलाते हैं अपने पीओ को, देव इसे 25,000 रुपए दे दो, और गए अस्पताल में। विमल मोदी से कहा सांसद रमाकांत यादव जी ने, पैसा इसको दे दिया हूं, जितना लेना हो ले लीजिए, लेकिन सकुशल इसके जच्चे बच्चे को होना चाहिए। बेटा कोई दिक्कत हो हमें टेलीफोन करना, अपना नंबर भी दे दिए और चल दिए वहां से। मगर ले के रुपया डॉक्टर, अब ले के रुपया डॉक्टर कैले ऑपरेशन वाला, लेके रुपया डॉक्टर अब कैले ऑपरेशन वाराम, गोदिया में पैदा भइले, अरे गोदिया में पैदा भइले एक सुघर ललन वारा, ऑपरेशन के जरिए बहुत होनहार एक बेटे को जन्म देती है नीलम। पहली संतान, वो भी बेटा, पति पत्नी दोनों बड़ा खुश हैं। अस्पताल से छुट्टी होती है, लाख लाख रमाकांत यादव जी को, राकेश यादव जी को बधाई देते हैं, पति पत्नी की भगवान बनकर के आ गए, वरना क्या होता मालिक ही जानता है। धीरे धीरे बदलल बाप अब रात जस कई मनवारा, माटिए में मिले लागल, माटिए में मिले लागल नीलम का सपनवारा, एक महीना बीतते बीतते धीरे धीरे राजेश का ईमान बदलने लगा। लोग बताते हैं
इंसान का ईमान कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। जिस रूप का दीवाना था वही रूप अब रास्ते का काटा नजर आने लगा है। ऐसा ने लड़की के प्यार जाल में फंसने की जीवन हमार नरक हो गई। वरना बड़े बाप का बेटा हूँ ऐसो आराम की जिंदगी जीता बाबा। आज होटल की नौकरी एक भिखमंगे जैसे करना पड़ रहा है। बहाना बनाया कहा रात को सपना देखा हूँ, पिताजी की तबीयत बड़ी खराब है, जा रहा हूँ गांव और तेरे माता पिता का भी समाचार लेके लौटूंगा। इंटरसिटी ट्रेन पकड़ा, बेलथरा रोड उतर गया और बाई जी पहुंच गया जहां बाबू विजय सिंह बगले में जिंदा लाश बन के पड़े हुए हैं। प्रणाम किया कलन की, स्वीकार कर लो पिताजी, नीलम के बहू मान ला। बिगड़ गए विजय सिंह, कहा खबरदार बहू की बात करते हो, तुम्हें तो बेटा भी स्वीकार करना नामुमकिन है। अरे बा, जब तक से वो जिंदा रहेगी जिसने मेरे खानदान का मर्यादा मिट्टी में मिलाया है, उसके जीते जी तुमसे कोई समझौता नहीं हो सकता है। बाप बेटा दोनों मिल करके और नीलम की हत्या की योजना बना लिए। टेरी में भाव मास्टर, अंधेरे में समाई जिंदगी, अंधेरे में समाई, अंधेरे में समाई जिंदगी, मौत की दावत ने मानवता को ठुकराई। पपवा समाई गईले निर्दयी राजेश भैले, जाके बाबू विजय सिंह से कहले बाबतिया, मारे बदे जनवा बनवले यो जनवा हो, भाड़ा पर पटाई लेले तीनी गो संगतिया। पहली सितंबर सोमवार रहल दिनवा हो, नीलम की सिरावा पर नाचे माहुवतिया। नीचे मोटरसाइकिल पर गोरखपुर से लेके चला, चला तुहारी माई से कराई मुलाकतिया। पहुंच गया रात को हीरो हुंडा मोटरसाइकिल लेकर गोरखपुर, कहा तेरी माँ की तबीयत बड़ी सीरियस है, वो केवल तुम्हें देखना चाहती है और मैं जा रहा हूं। कभी कभावा बाबा कहना पड़ा, घुमत देवरिया के बीत गई ले दीना, बीत गई ले जब की भाई भागलपुर चौराहा पर बैठी के घटिया, बैठी के रहले करता इंतजार। तबले राजेश लेके अइले दुलहिया के, अइले दुलहिया देवरिया और बलिया की सीमा जो क्रॉस करता है भागलपुर पुल, उसी पहले चौराहे पर बैठे हैं राजेश लेके पहुंचा इशारा किया आगे बढ़िए। ठीक पुल के बीचों बीच में सब लोग आ गए, भाड़े के अपराधी हैं साथ में अजय सिंह विजय सिंह, और देखा है जब विजय सिंह नीलम को खून खोल गया इसका कागरे, हरमजादे तमाशा देख रहे हो, इसकी गोद से बच्चे को छीन लो और फेंक दो नदी की धारा में इस चंडालनी को जिसने मेरे खानदान की मर्यादा मिट्टी में मिलाया है, इसको समाप्त करो। नीलम के पकड़ के पापी नदिया में फेंकी दिया, मदिया में गोदिया से छीन ले दूला।
ये गुंडे नीलम के गोद से बच्चे को छीन लिए और विजय सिंह के इशारे पर भादो का महीना नदी फफनाई है, फेंक दिया गया नदी में। जहां लड़की फेंकी गई सीमा बलिया की है और वहां सीधे घाघरा उत्तर से दक्षिण को तेज गति से बह रही थी। उत्तर तरफ उसी तुरती पार के दो केवट मल्लाह गरीब जो मछली मार रहे थे, धमाके की आवाज सुने और तेजी से नाव लेकर के दौड़े हैं। तब बेचू जंग बहादुर लेके नैया दौड़ा, नैया दौड़ा नीलम के लिहाल उबारा। कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। मारने वाले से लंबी बाह बचाने वाले की होती है। बेचू जंग बहादुर दो केवट तुरती पार के लड़की बेहोशी की हालत में निकाल के ले गए। रात में इलाज हुआ और जब होश में आई लड़की सारी बात बयान की है, तब वही रतिया में लेके थनवा पर जाइल, थनवा पर लेकिन न सुना थानेदार। हम बधाई देंगे तत्कालीन दैनिक जागरण के प्रेस रिपोर्टर भाई जयप्रकाश बर्नवाल साहब, बड़ी मेहनत करके उस लड़की को न्याय दिलवाने के लिए थानेदार को कटघरे में खड़ा किया, मगर सुना नहीं थानेदार। चूंकि पहले ही एक नेता का भाई 80,000 में सौदा कर लिया था, 40,000 वो ले लिया, 20,000 सीओ रसना अखिलेश तिवारी और 20,000 एसओ उभाव राम सुभग यादव जी, मजबूर हो गया जयप्रकाश बर्नवाल। तब टेलीफोन किए लखनऊ, विधानसभा चल रही थी, किसके यहाँ? माननीय शारदानंद जल जी के यहाँ। लखनऊ में मिलल बखबरिया से रवा गरजल बाप, लखनऊ में मिलल बखबरिया से रवा गरजल बाप, तब सुनत क्रोध में सुर्खी भई नजरिया से रवा गरजल बाप। मंत्री जी एसपी से बात सुनाई हो, राम सुभग ये सो उभाव मामला को रहा दबाई हो, माथा टनकल एसपी का दे घरिया से रवा कर जलवा, थानेदार का बदल बिस्तर बोरिया से रवा कर जलवा। तत्कालीन एसएसपी अमिताभ ठाकुर को जब इस बात की जानकारी हुई, तत्काल सस्पेंड करके पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिए और रामाश्रय प्रसाद को एसओ नियुक्त कर दिए। आल्हा में कभी का भाव आया, आल्हा नंबर एक। कैसे कोई करी है पुलिस पर भरोसा भैया, कैसे केहू कर पुलिस न्याय का गुहार। एसो रामाश्रय जब थनवा पे आई हो गईले, बनला दबाव तब कैले ये फाइयार, लेके लला नवा के भागल रहले पपिया जेवल,
बेच दिहले जउआ वही दराम के मझार। विश्व ज्योति राय चले लेके सिपहिया तहिया, रतिया में घेरे जाके गौआ हो दराम। नहरी की पुला पर मिलल बा ललनवा दादा, नीलम को दिए लाके गोदिया का दुलार। हो नहार बिरवान के होत चीकने पात, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में मारा गया इंस्पेक्टर का बेटा विश्व ज्योति राय सिपाहियों के साथ चला, जिस बच्चे को बेच दिए थे श्याम बिहारी यादव जी के यहां 5,000 में। ग्राम प्रधान चौहान कहा, यादव जी दे दीजिए बच्चे को वरना पुलिस छापामारी करने आ रही है। कलन की हमारी रुपयवा का हुई, प्रधान जी कलन की रुपया की चक्कर में पड़वा तो जेल जाए, बड़ी जल्दी दे दो। प्रधान अपने गणित से पुलिस के हवाले कर दिया बच्चे को, नीलम के पास आ गया वो बच्चा। लेकिन फिर भी अड़ी है, अभी कातिलों को सजा नहीं मिली है, कातिल जेल नहीं गए हैं। जब तक कातिलों को सजा नहीं मिलेगी मैं थाना छोड़ के जा नहीं सकती। अरे वाह, बहुत मदद किया माननीय जयप्रकाश बर्नवाल साहब ने, और मंत्री जी तो मदद किए ही, बहुत दबाव आया इनके ऊपर। चंद्रशेखर जी का भी दबाव आया था, राम गोविंद चौधरी का तो दबाव था ही, लेकिन शारदानंद चल ऐसे नेता थे जिनका पैर आगे बढ़ा तो कभी जीवन में पीछे नहीं हटा। आल्हा नंबर 2, दिहली अदालत पीछे नीलमा बयानावा। सब कातिल सब गईले भैया जेलिया मझार, सारा के खातिर जई खोद ला कुआना। अब ओहू के बनावे ल भगाड़ करता, दो हजार पांच में बाबू विजय सिंह चुनाव हारे, 10 में हारे और विजय सिंह की हत्या हो गई। तजा ने कवल विजय सिंह के मार दिया गोलिया, अब जाने कवल विजय सिंह के मार दिया गोलिया। बेटा राजेश तब भाई ले लाचार, बिल्कुल विक्षिप्त जैसी हालत, पागल जैसी हालत हो गई राजेश सिंह की। मामा राजेश के बड़ी मदद किए, मैरवा के बगल में एक बाबू साहब हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उनके पास ले गए। ज्योतिष की गणना करके उन्होंने बताया कि जिस ब्राह्मण की लड़की को प्यार जाल में फंसाया, उसकी मांग को सिंदूर दिया, उसके साथ धोखा किया, जब तक वो लड़की इसे क्षमा नहीं करेगी या उसे ये अपनाएगा नहीं, इसको भगवान भी नहीं माफ कर सकते हैं। सभी रिश्तेदारों से राय लेने के बाद हुआ क्या, आल्हा नंबर 3, लेके पंचायत गई ले नीलम की दुआरा, माफ कर दुलहिन हो कसूरावा हमार, अपने करनिया कब फल पाई गई ले, हमके सजाए खुदे दिहलन करतार। दोनों साथे गई ले तब बलिया का चहरिया, जाके जज साहब से करे ली जहार। भरी सभा में पैरों में पड़ना चाहता है, डांटती है, मैं क्या माफ करेंगू,
ऊपर वाले से क्षमा मांगो, हाथ जोड़ो, वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। पंचायत के अंदर पुनः बात बन गई, तैयार हो गई लड़की पुनः राजेश के साथ रहने के लिए। कहा यहां नहीं, बलिया में। कहा मेरी मकान है, कहा उसमें तुम्हारे चाचा चाची हिस्सेदार हैं, उस मकान में नहीं रह सकती। तब वरासत हो गई थी, जमीन बेचा, दूसरी जमीन खरीदा, बलिया में घर बनवाया। लेकिन जज साहब के पास जब दोनों पहुंचे हैं, साहब इनकी मुकदमा खत्म कर दीजिए, मेरी मांग के सिंदूर है, सुहाग है। जज बहुत समझाया कि क्या गारंटी है कि अब ये तेरी हत्या नहीं करेगा। लड़की रोवे लगल, रो रो के कहलस, आखिरी लाइन खड़ी के लाइन, अरे नीलम कहली असुआ बहाई बाबूजी, तो हमारा बिगड़ल जतिया नयाई बाबूजी। जज साहब के सामने हाथ जोड़ करके वो लड़की रोती है और कहती है कि अपनी करनिया कफल पाई गई ले, यही से ही हमारी सरनिया में अले, भला ही देवा फांसी पर लटकाई बाबूजी, हमार बिगड़ल जतिया नयाई बाबूजी। एक बात बड़ी ऊंची कही है वो लड़की कि कहली है नीलम बात माना सरकार हो, माफ कराइल के हवा से नूरा हमार हो। गुरु राधे स्वर्ग में निर्वाही बाबूजी, तो हमार बिगड़ल जतिया नयाई बाबूजी। नीलम के निवेदन पर जज साहब सारा मुकदमा खत्म कर दिए और बड़े प्यार से आज दोनों पुनः पति पत्नी के रूप में बलिया में जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। सदगुरु स्वामी की मर्जी से राधे स्वर्ग में डोले, मरछु यादो राम सोच शिवधर की जय जय बोले हो। अधेरे में समाई जिंदगी, अधेरे में समाई जिंदगी, लेखनी जनरल जल की र...